वही लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट तो तू भूल ही जा बेटा। पूछ क्यों, हाइड्रोजन परऑक्साइड इतना अनस्टेबल लिक्विड है कि अगर कॉन्सेंट्रेट दे दी तो दिक्कत पैदा कर देगा, पूरा हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा हाइड्रोजन परऑक्साइड इज हाईली अनस्टेबल लिक्विड। हाँ ओके देखिए, सर, हाँ मेरी रिएक्शन नहीं दिख पाई थी सर, दिख पाई थी लिख क्या? रहे हैं बेटा, दोबारा से लिख रहे हैं, लिखिए। Na2O2 सोडियम परऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में आप ये ध्यान दें, कोल्ड होना चाहिए, बल्कि आइस कोल्ड होना चाहिए, और डाइल्यूट तो हो गई होगा, है ना? और बहुत कम, मतलब यूं मान के चलो पानी ज्यादा है, वो कम कम है सल्फ्यूरिक एसिड। 20% कंसंट्रेशन लेना है और आइस कोल्ड लेना है, बनेगा H2O2 प्लस Na2SO4। आइस कोल्ड वगैरह क्यों लेना पड़ रहा है, मैंने उसका आपको रीजन बताया। क्या रीजन बताया मैंने, कि हाइड्रोजन सोडियम परोक्साइड, पेरोक्साइड हाईली हाइड्रोजन H2O2 इज अनस्टेबल परोक्साइड हाईली लिक्विड है। अनस्टेबल है। हाँ देखिए, यहां पर इन दिस मेथड, इन दिस मेथड Na2SO4.10H2O सेपरेट आउट, सेपरेट आउट ऑन कूलिंग। ठंडा करने पर Na2SO4.10H2O के फॉर्म में अलग हो जाता है, लीविंग बिहाइंड 30% प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड, लीविंग बिहाइंड 30% प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड। सर ऐसे ही हाइड्रोजन सर, परोक्साइड पॉइजनस होता है? अगर इसकी अमाउंट 30% से ऊपर चली गई हमारी बॉडी के अंदर, तो ये घातक है। ये ओके ना, सर, ये जो हाइड्रोजन परोक्साइड है, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा जर्मीसाइडल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। और जितनी भी, जैसे हमारे कान की जो दवाई होती है ना, यस बस सर, पड़ जाना कुछ कर रहा, तो ये उनकी बड़ी अच्छी दवाई होती है हाइड्रोजन परोक्साइड। ओके सर, और तुमने देखा होगा कि जैसे लोग अपने बालों को ब्लीच करवाते हैं या स्किन को ब्लीच करवाते हैं सुंदर दिखने के लिए, जो भी है, तो वहां पर भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सुना तो होगा आप लोगों ने, ब्लीचिंग। यस सर, ब्लीचिंग नहीं, पाउडर सुना सर। ब्लीचिंग तो सुना ही सर नहीं। एक हाँ बार आइस कोल्ड H2O4 यूज करने का रीजन रिपीट कर दीजिए। कोई बच्चा बताएगा मैंने क्या बताया था बेटा, इंपॉर्टेंट रीजन आइस कोल्ड यूज करने के पीछे क्या H2 रीजन था? क्योंकि H2O2 H2O2 बहुत ज्यादा अनस्टेबल लिक्विड होता है, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा मतलब ज्यादा हुआ तो फिर वो ब्रेक कर जाएगा H2O2। हाइड्रोजन परोक्साइड एक अनस्टेबल लिक्विड है, वेरी अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ये बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस देता रहेगा। हाँ जी, अब लिखिए प्रिपरेशन नंबर टू, फ्रॉम बेरियम परोक्साइड। ये भी बड़ी आसान है, बेरियम परोक्साइड डॉट इट H2O हाइड्रेटेड लेते हैं विद वॉटर, सल्फ्यूरिक एसिड वही कोल्ड कंडीशन वाला डाइल्यूट, तो बनेगा भाई H2O2 प्लस बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। अब यहां पर एक बात समझ लें, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये आता है कि हम बेरियम हाइड्रोक्साइड एनहाइड्रस फॉर्म में यूज नहीं करते, उसकी वजह यह है कि बेरियम परोक्साइड अगर हम एनहाइड्रस फॉर्म में लेते तो बेरियम परोक्साइड के साथ रिएक्शन होती, और रिएक्शन होने के बाद थोड़ी देर के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती,
उसकी वजह ये होती कि बेरियम परोक्साइड के ऊपर बेरियम सल्फेट का सल्फेट। एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जम जाता और जम जाने के कारण इसको सल्फ्यूरिक एसिड फर्दर अटैक नहीं कर पाता। मान लीजिए इस रिएक्शन में मैंने 8H2O का यूज नहीं किया तो क्या होगा, रिएक्शन तो हुई, ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, लेकिन रिएक्शन विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। व्हाई, क्यों स्टॉप हो गई? उसकी वजह है कि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। लेकिन अगर पानी की प्रेजेंस होती है तो प्रेसिपिटेट को इसके ऊपर जमने नहीं देती है। देखो आगे इसमें, इन दिस मेथड एनहाइड्रस बेरियम परोक्साइड इज नॉट यूज्ड। एनहाइड्रस बेरियम परोक्साइड इज नॉट यूज बिकॉज बेरियम सल्फेट मे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, मे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन BaO2, फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन BaO2 विच प्रिवेंट द अटैक ऑफ हाइड्रोजन, विच प्रिवेंट द अटैक ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रीजन मैंने आपको बताया, जरा बताएंगे आप लोग? एनहाइड्रस बेरियम परोक्साइड के ऊपर बेरियम सल्फेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है। अच्छा, इस वाली रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है, एक कमी है इस रिएक्शन की। वो कमी ये है, लिखो जरा, सिंस हाइड्रोजन परोक्साइड इज एन अनस्टेबल लिक्विड, इज एन अनस्टेबल लिक्विड, इट्स डिकम्पोजिशन इज कैटलाइज्ड बाई हैवी मेटल कैटाइन्स सच एज बेरियम आयन, प्लम्बस आयन, मर्क्यूरिक आयन। वो समझे मेरी बात? मतलब ये कि बेरियम सल्फेट अनस्टेबिलिटी से बढ़ा देगा। बेरियम आयन मिलना होगा, है ना? तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेजेंट हो। तो यहां पर दिक्कत ये आ रही है कि बेरियम सल्फेट की वजह से हाइड्रोजन परोक्साइड की स्टेबिलिटी थोड़ी सी और कम होती जा रही है। तो हम यहां पर एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, वो तरीका देख लीजिए, आगे लिखो। दस दस इन मॉडिफाइड मेथड, इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वी प्रिफर टू यूज फॉस्फोरिक एसिड विच इज अ माइल्ड एसिड। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड है बच्चों? बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो हमने उसकी जगह एक माइल्ड एसिड और ले लिया जिससे कि डिकम्पोजिशन कैटलाइज ना हो। तो इनकी रिएक्शन से बनता है Ba3PO4 का होल ट्वाइस बेरियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट, जो H2O2 के डिकम्पोजिशन को कैटलाइज नहीं करता, प्लस वाटर 8 3 24 24 H2O प्लस हाइड्रोजन परोक्साइड। पहला मेथड कौन सा था? सोडियम परोक्साइड से। दूसरा मेथड किससे है? बेरियम परोक्साइड से। बेरियम परोक्साइड में मैंने आपको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा दिए।
कि हैवी मेटल के टाइम की प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस हाइड्रोजन परऑक्साइड को अनस्टेबल बनाती है। अब लिखिए, अच्छा ये जो मेथड है, आप चाहो तो वैसी नॉलेज बढ़ाने के लिए लिख सकते हो, ये लेबोरेटरी मेथड है। कौन से मेथड है बेटे? लेबोरेटरी वाली मेथड। अब देखिए इंडस्ट्रियल मेथड, मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बनाया जाता है वो देखना है। लिखिए इसमें, लिखिए ए मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना बेटे विष्णु जी आए हैं क्या क्लास में? यस सर। विष्णु जी प्रणाम। प्रणाम सर। आगरा वापस आ गए सर? मैं आगरा में था सर। नहीं आपने कहा था ना कि आप कानपुर लखनऊ गए थे मामा जी के साथ। वहां से तो पहले ही आ गया था काफी टाइम। अच्छा, बाकी सब कुछ कुशल मंगल है बेटी? हाँ सर। स्वर्ग लोक में? हाँ सर, वहाँ भी सब ठीक। वो चलिए आपसे मैं बात बात करूँ बेटा, मेरे को एक आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें। क्या सर? नमन कुमार का माइक सही करा सकते हैं क्या आप? प्रभु भी ऐसा लग रहा है कि हेल्पलेस हो रहे हैं। मैं 11 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊं तो सर? आजकल तो 11 में पैटीज भी नहीं आती। अच्छा अगर मैं क्षितिज को आपकी तरफ से 1 किलो रसगुल्ले खिलाऊं तो? बस 1 किलो तब तो आप फिर सोचा जा सकता है सर। ठीक है, इन दिस मेथड अ 50% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 50% solution of sulfuric acid is electrolyzed using platinum electrode। बेटा पहले समझ लेना फिर एक साथ उदाहरण है ना, इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया आपने और इलेक्ट्रोड्स कैथोड एनोड लगा दिए और सल्फ्यूरिक एसिड में करंट पास कर दी तो सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक हो जाएगा भाई, एच आइन प्लस एच एस ओ फोर माइनस में। ट्वाइस कर लेंगे तो ये भी ट्वाइस हो जाएंगे। संसार का नियम, कैटाइंस कैथोड की तरफ जाते हैं और एनाइंस एनोड की तरफ जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस एट कैथोड? कैथोड पर कैटाइन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। एनोड पर एनाइन जाएगा, वहां जाकर अपना चार्ज सरेंडर करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और बनाएगा H2S2O8। भाई आप सभी शायद इस बात को जानते होंगे कि कैथोड पर रिडक्शन की घटना होती है और एनोड पर ऑक्सीडेशन की घटना होती है। इलेक्ट्रॉन का निकलना माने ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लेना माने रिडक्शन। अब ये जो बना H2S2O8, मैं आपको इसका नाम सिखा चुका हूं, ओलियम एसिड। ओलियम नहीं है वो, तो H2S2O7 होता है। ना 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 ना, मार्शल एसिड भैया मेरे, ओलियम ये है। ओके सर, दिस इज परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आप राइटली बोले
मार्शल मार्शल एसिड एसिड। अब इस परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड पर अगर हम वाटर की रिएक्शन कराएं तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। पर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। H2S2O8 प्लस वाटर गिव H2SO5 केरोज एसिड प्लस H2SO4 केरोज एसिड प्लस वाटर गिव हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये कि ये वाली जो इक्वेशन आप देख रहे थे इतनी देर से, इसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। दिख पा रहे हो भाई? यस सर। इधर देखो दो पार्ट। अच्छा, तो मैं मार्शल एसिड में पानी डाल के केरोज एसिड बनाते हैं। हाँ, मार्शल एसिड में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो केरोज एसिड मिलता है, और केरोज एसिड में पानी मिलाएंगे तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें कैरोस से कैरोस कट जाएगा, और नेट इक्वेशन कौन सी आ जाएगी? ये वाली पिछले स्लाइड पे लिखी थी, लिखी हुई है अभी। समझ गए? ये पूरा एक कॉम्प्लिकेशन बनके जेई में लगभग 17-18 साल पहले आया था। नोट करें, मतलब पूछा गया था किस इलेक्ट्रोड पर क्या मिलता है, ये पूछा गया था। ये पूरा बात करो, चलो एक एक करके। सर नेगेटिव। क्या बेटा? सर एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते थे, नेगेटिव टर्मिनल। गुड क्वेश्चन। अभी मैं आपका इस क्वेश्चन का जवाब, ये आप टॉपिक नोट कर लें, फिर मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दूंगा सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हाँ, अभी छोटे बच्चे की तौर पे समझने के लिए आप समझ सकते हैं, ये कैटायन है, कैथोड पे जाएगा, तो कैथोड नेगेटिव बॉडी हो गई और एनोड पॉजिटिव बॉडी हो गई। पर ये आधा सच है। इसे पहले आपने लोन लिखवाया था सर, तो सर लोन में आपने कहा था कि नेगेटिव टर्मिनल होएगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। बस आप एक मिनट के लिए धैर्य धारण करें, फिर आप देखिए कि क्या मैं आपके सामने जादू करता हूं। आज तो स्वयं विष्णु जी ने मुझसे बात कर ली है, अब जादू दिखाता हूं। नोट इट। नोट कर लिए बेटा? यस सर। अगली स्लाइड ओपन कर दो। यस सर। हाँ जी, हो गया। ओके सर।
दिस मेथड कैन बी मॉडिफाइड बाय यूजिंग अमोनियम सल्फेट बस क्या अंतर आएगा? चलो खुद बुद्धि लगाओ, चलो यार तुम बताओ इसमें और उस मेथड में क्या अंतर आएगा, सोच के बताओ। चलो थोड़ी सी तो बुद्धि लगाना ही पड़ेगी, कब तक रटोगे बताओ। इसमें क्या यूज किया था? सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एच आई लिए थे, और इसमें हम क्या ले रहे हैं? अमोनियम सल्फेट। मतलब क्या डिफरेंस है? बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से कराए, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी प्रेजेंस रखी जाती है, ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और फिर जब आप करंट पास करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट करंट पास करने पर क्या प्रोड्यूस करेगा? एच आइन प्लस प्लस अमोनियम सल्फेट नेगेटिव। वही पैटर्न है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। चलो कैटाइन कैथोड पे लेके जाओ, ये वाला जो एस था वो बाहर निकल जाएगा एट एनोड, एनोड की रिएक्शन कराइए, एनाइन एनोड पर जाएंगे, एनएच फोर एसओ फोर नेगेटिव, और एनोड पर जाकर ये अपना चार्ज सरेंडर कर देंगे और बनाएंगे अमोनियम पर सल्फेट। वहां क्या बनाते हैं ना बताना, याद करो पार्शियल एसिड। अब उसका फॉर्मूला बता ना, यहाँ पे एच हटके एनएच फोर चल रहा है, बस एनएच फोर लग गया है ना बेटा, अननेसेसरी रटना नहीं, दिमाग से रटना। और चलो बच्चों बताओ कैथोड पे क्या होगा? एच आइन इलेक्ट्रॉन गिफ्ट। अच्छा बताओ पिछले वाले मेथड में जब H2S28 बना था तुमने उस पे क्या डाला था? पानी, वाटर। बस तो इस पे भी ऐसे ही करो बच्चों, इस पे भी वाटर डाल दीजिए। तो वाटर डालने से अब चाहो तो डायरेक्ट कर लो 2NH4HSO4 प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। सर आपने ऊपर नाम क्या लिखा है? अमोनियम हाइड्रो, अमोनियम देख नाम बनाना सीखना बेटा, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा ओके सर। अच्छा इस मेथड उस मेथड में सिर्फ एक ही अंतर है ना, क्या अंतर है बताओ? अब मैं जो है अगला मेथड पढ़ाऊं, उससे पहले मैं जरा अभिषेक गोयल की बात का जवाब दे दूं। ये नोट कर लिया था सब लोगों ने? एक सेकंड। अक्षय गोयल अपना क्वेश्चन रिपीट करें। सर एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल देंगे या फिर नेगेटिव टर्मिनल? या देखिए सेल दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल जो मैंने आपको बताया था, और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जब आपका मोबाइल, जैसे ये आपका मोबाइल है, मोबाइल आपका इस समय चार्जिंग पर नहीं है,
तो ये मोबाइल में जो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है. ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो दोनों सेल एक दूसरे के उल्टे हैं. तो जब आप ये कहते हैं लोन, तो आप कहते हैं कि एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड कैसा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव टर्मिनल. लेकिन जब उल्टा फंक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी हो जाती है, तो इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज उल्टे हो जाते हैं और एनाइन एनोड पर जाता है. इसका मतलब एनोड बिकम्स पॉजिटिव टर्मिनल और कैटाइन्स कैथोड पर जाता है. उस वक्त कैथोड कैसा टर्मिनल हो जाता है? नेगेटिव टर्मिनल. नेगेटिव टर्म. चार्ज उल्टे हो जाते हैं, ध्यान रखना बेटे. तो जब कोई ये कहे कि भाई बताओ कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, एनोड पर कैसा चार्ज होता है, तो आप उससे ये कहिए भाई पहले ये तो बता दे सेल कौन सा है. समझ गए? अच्छा क्यों सर? यस सर. तो मतलब सर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे एनोड पॉजिटिव था. यस, इस इम्पोर्टेंट बात को नोट करें सही बच्चे. यस सर. और नमन बाबू, विष्णु जी कुछ तो करो यार, इसको बुलवा दो यार, इस बार तो बुलवा दो. लगता है विष्णु जी भी हेल्पलेस हो रहे हैं. विष्णु जी मान जाओ, पिघल जाओ भाई. एक तो के लिए दो पूछ वाला चूहा और नमन कुमार की कोशिश जा रही है. अरे आप कोशिश करेंगे, कैसी बात कर रहे? कोशिश करने वालों की हमेशा हार हुई है. कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है. संसार का नियम होता है, कोशिश हमेशा वही लोग करते हैं जिन्हें सफलता प्राप्त नहीं करनी होती है. जिनको जिंदगी में असफल रहना होता है वही कोशिश करके देखते हैं. क्योंकि सीधी सी बात है, जिसे सफलता प्राप्त करनी है उसके लिए तो सेकंड थॉट होता ही नहीं कुछ. वो तो सफलता के मार्ग में बढ़ता चला जाता है. उसकी डिक्शनरी में कोशिश शब्द होता ही नहीं है. अब वो तो ये सोचता है मैं तो इस रास्ते पे जाऊंगा तो सफलता मुझे मिलनी मिलनी है. ये अंतर होता है सोच का, बस और क्या है. तो कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है. ये बड़े सयाने लोग ये कह गए कोशिश करने से सफलता मिलती है, मेरा सोचना उल्टा है. वो बिल्कुल टोटल फेलियर वाली बातें करते हैं. सही बात क्या है अभिषेक गोयल जी? सही बात क्या है? लगता है वो मेरी बात से कोशिश करने वालों की हार होती है. कोशिश करने वालों की ही हार होती है. आप इस बात की गहराई में जाके इस बात को सोचना. सिर्फ कोशिश करने वालों की हार होती है. हाँ, कोशिश करने वालों की ही हार होती है और मेजोरिटी कोशिश करती है इसलिए उनकी हमेशा हार होती है. लास्ट प्रिपरेशन विष्णु जी, आपको वाला आपका संदेश तो याद होगा जो आपने रणभूमि में दिया था कृष्ण को, अर्जुन को शायद गुस्से में. बेटा वो सुदर्शन चक्र से चला के दिखाना इसे, ऐसे ऐसे वो सुदर्शन चक्र. सर क्लास में दिखाऊंगा. पर वहां चित्र नहीं होगा ना, गर्दन किसकी काटेगा? बुला लूंगा. लिखिए लास्ट प्रिपरेशन फ्रॉम. ये थोड़ा बेटा डरना नहीं इस प्रिपरेशन से, है ना, थोड़ी सी वैसी है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डरना नहीं, है ना. बड़े बड़े नाम आएंगे. फ्रॉम टू इथाइल एंथ्राक्यूनोन. स्पेलिंग को ठीक से लिखिएगा, क्यूनोन
ओन कीटोन ग्रुप की साउंड आ रही है, बहुत छोटी सी रिएक्शन है। टू इथाइल एंथ्राक्विनोन। सर क्या कंपाउंड है ये? ईटी का मिथाइल है। अरे और नहीं क्या विशेष, तुम्हें यही सब पढ़ना है यार, झगड़ा क्यों रहे हो। हाइड्रोजन गैस पैलेडियम कैटलिस्ट है, तो इसको अटैक करेगा और बनाएगा इथाइल ओएच। इट्स नेम इज टू इथाइल एंथ्राक्विनॉल क्यूनॉल। ऑल आया, ऑल ऑल क्यों आया है? ओएच की वजह से एल्कोहल हो गया। अरे ईटी क्या है? ईटी माने ईटा, ईटी माने ईटा, सिर्फ मारने से खून निकलता है ना। देख रहा है फिर भी मजाक कर रहा है। इथाइल इथाइल नोट इट। आपने देखा उस पूरी रिएक्शन में, अच्छा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, देखो इधर देखो, हाइड्रोजन गैस पास करने से रिडक्शन हुआ, मतलब ओ का क्या बन गया यहां पर देखिए ओएच, ओ का क्या बन गया ओएच, बाकी पार्ट पर कोई असर नहीं है। उसके बाद जब हम इस कंपाउंड पर ऑक्सीजन एयर डालेंगे तो इसी पार्ट का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ये O2 वाला पार्ट और यहां से ये HH वाले पार्ट मिलकर क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटे, क्लियर हो गई? ये बताना ये वाले H कहां से आए? ऊपर से H आए, OH वाला H आ गया, OH वाला H और एयर से। यहाँ पर हमारी सारी प्रिपरेशन समाप्त हो जाती है। लिखिए किसकी प्रिपरेशन समाप्त हो गई? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका मतलब ये कल ये चैप्टर अंतिम सांसें गिन रहा होगा, गिन चुका होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यह है कि जो इसमें पानी प्रेजेंट है उसको रिमूव करके 100% प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इस नए टॉपिक को कल से पढ़ाएंगे। टाटा बाय बाय। कल इस चैप्टर को फिनिश कर, इस चैप्टर को फिनिश कर। रेडॉक्स के डाउट बचे हैं सर, रेडॉक्स के डाउट, रेडॉक्स करवा दीजिए पहले। ओके, इस चैप्टर को कल फिनिश करते ही हम किसके डाउट्स लेंगे? रिडॉक्स। कल ये चैप्टर सुनाना है सर, चैप्टर खत्म करते हैं।